राजस्थान के चूरू जिले के सालसर के गांव कोलासर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। 13 साल के बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था, जिससे कथित तौर पर गुस्सा टीचर ने उसकी जान ही ले ली। सालसर पुलिस के SHO संदीप बिश्नोई के मुताबिक कोलासर निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा गणेश कोलासर के निजी स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल का सातवीं कक्षा का छात्र था, जो 2-3 महीने से स्कूल जा रहा था। गणेश ने अपने पिता को बीते 15 दिनों में 3-4 बार शिकायत की थी कि उसका टीचर मनोज बेवजह उसके साथ मारपीट करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया था। सुबह करीब 9:15 बजे गणेश के पिता ओम प्रकाश को स्कूल के आरोपी शिक्षक मनोज का फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए उसकी पिटाई की गई है, जिससे वह बेहोश हो गया है। खेत में काम कर रहे पिता ने आरोपी शिक्षक से पूछा कि वह बेहोश हुआ है या मर गया है। इस पर आरोपी शिक्षक ने कहा कि वो मरने का नाटक कर रहा है। कुछ समय बाद ओम प्रकाश स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी पहले से ही मौजूद थी। स्कूल के बाकी बच्चे घबराए हुए थे। बच्चों ने बताया कि आरोपी मनोज ने गणेश के साथ बेरहमी से लात घूंसों से मारपीट की और जमीन पर पटक पटक कर पिटाई की। इस बेरहमी से गणेश लहूलुहान हो गया। परिजनों के पहुंचने के बाद घायल बालक को सालसर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। SHO संदीप बिश्नोई ने बताया कि मृतक गणेश के पिता ओम प्रकाश ने शिक्षक मनोज कुमार के खिलाफ धारा 302 में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो।